अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम बना रहे हैं चाइनीज़ राइस विद शाश्लिक। तो उसके लिए हमने यहाँ पे लिया है चिकन, 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून कुटे मिर्च, 1 टीस्पून सिरका, 1 टीस्पून सोया सॉस। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। 10 मिनट के लिए हमने मैरिनेशन किया है। 10 मिनट के बाद ये देखिए हमने यहाँ पे लिया है थोड़ा सा ऑयल, ऑयल में चॉप किया हुआ लहसुन। जो चिकन हमने मैरिनेशन की थी वो डाली है हमने। थोड़ा सा पानी 2 मिनट के लिए कुक करेंगे। ये 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे प्याज, शिमला मिर्च, इनको हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। ये देखिए हमने तकरीबन 1 मिनट के लिए फ्राई किया है। उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। फिर उसी कढ़ाई में हम इसका सॉस तैयार करेंगे। इसमें लिया है हमने 2 टेबल स्पून ऑयल। इसमें हम डालेंगे टमाटो पेस्ट, 2 मीडियम साइज के टमाटर लिए थे हमने, उनका पेस्ट बना लिया था। ये हम इसमें शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून काली मिर्च, 1/2 टीस्पून कुटे मिर्च, 1/2 टीस्पून नमक। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे कॉर्नफ्लोर। जितनी भी आपको ग्रेवी थिक पसंद हो उस हिसाब से आप कॉर्नफ्लोर डाल के थिक कर सकते हैं। ये देखिए हमारा फाइनल शाश्लिक बन के तैयार हो चुका है। अब हम यहाँ पे तैयारी करेंगे राइस की। ये हमने राइस बॉईल कर लिए हैं। ये हमने लिया है 2 टेबल स्पून ऑयल, इसमें चॉप किया हुआ लहसुन, बारीक कटी हुई हम यहाँ पे शामिल करेंगे गाजर। इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, इसको भी हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे ली है हमने थोड़ी सी कैबेज, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून हमने ली है यहाँ पे काली मिर्च कुटी हुई। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हमने जो चावल बॉईल किए थे वो हम इसमें शामिल कर लेंगे। ये हमने 1 मिनट के लिए दम दिया है। ये हमारी फाइनल चाइनीज़ राइस बन के तैयार हो चुके हैं। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये हमारी फाइनल लुक।